हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, खट्टा मट्ठा घोल बनाने के लिए। खट्टा मट्ठा, जैसा कि आपको नाम से ही पता है, ये फफूंद जो फंगस को और फंगस और वायरस से जो रोग जन्म लेता है, फफूंद जनित और विषाणु जनित रोगों के लिए अगर दवा है, टॉनिक है, जो विशेष सब्जी के फसलों के लिए उपयोगी है। इस दवा के लिए जिन सामग्रियों को, उसमें ये देखिए, ये 3 दिन पुराना खट्टा मट्ठा है, तो इसको लेना है 6 लीटर, लेकिन हमने प्रयोग के लिए रखा है इसलिए 1.5 लीटर लिया है। और पानी हमको 100 लीटर चाहिए 6 लीटर में, मैंने 6%, तो इसके हिसाब से इसका रख लिया गया है पानी। और एक बर्तन लेते हैं, 100 लीटर का अगर रहेगा तो एक ड्राम लेना होगा, और एक डंडा हिलाने के लिए लेना है। अब इसमें क्या करना है, पानी में ये खट्टा मट्ठा को डाल देना है। डालिए, और डंडा से दूसरे को दे दो, डंडा से चलाइए। अब ये 8 से 10 घंटा तक इसको रखे रहना है। आप बिना पानी मिलाए फसलों के ऊपर इसको छिड़काव करना है, तब जाकर के आप किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन से या फफूंद जनित और विषाणु जनित रोगों से फसलों का बचाव है। ये भी इको पर्यावरण के लिए जो रासायनिक दवा, रासायनिक उर्वरक जितना घातक हो रहा है, तो उन सब से बचाव करिए। और जीवन में ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग को अपनाइए, और पर्यावरण को बेहतर बनाइए, प्रदूषण से मुक्त रहिए, अपने स्वास्थ्य को या समस्त जीवों को स्वस्थ रखने में अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक नए और रोचक टॉपिक के साथ।